बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताइए दोस्तों, आप सभी लोग कैसे आई होप्स कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और आप सभी को पहले तो नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और आपकी सारी मनोकामनाएं नवरात्रि में पूरी हो, मैं भगवान से यही आशा करती हूँ। तो घर के अंदर हो रहा है काफी हल्ला क्योंकि संदीप और बच्चे खेल रहे हैं आपस में। चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखो कैसे खेलने में लगे हुए हैं ये लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ आंगनबाड़ी क्योंकि आंगनबाड़ी से कुछ सामान लेके आए थे, टॉयज वगैरह लेके आए थे और वो मुझे वापस करना है। कितना हल्ला कर रहे हैं ये लोग। तो टॉयज वगैरह हम लेके आए थे आंगनबाड़ी से और बहुत दिन हो गए मुझे वो मैंने वापस भी नहीं किया क्योंकि काफी बिजी हो गई थी मैं। तो आज मैं जा रही हूँ सामान वापस करने और मुझे चाहिए पुदीना तो चटनी बनाने के लिए। और तो जो मैम है वहाँ की, उनके घर में पुदीना बहुत अच्छा होता है तो मैं वहाँ से पुदीना भी लेके आऊँगी चटनी के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो नवरात्रि का जैसा पहला दिन है तो नहा धो के मैंने पूजा दिया पाती तो कर दी है। बाकी मौसम थोड़ा सा धूप है, ठंड वाली धूप है तो मैं सोची क्यों ना आज पकौड़ी बनाई क्योंकि काफ़ी टाइम से पकौड़ी ही नहीं खाई थी और बहुत मन भी कर रहा था मेरा खाने का। और संदीप भी बोल रहा था कि बनाने के लिए, ऊपर से मैं दोपहर में बनाऊंगी लंच में कड़ी तो उसमें वही पकौड़ी मैं यूज़ कर लूँगी। और तो पर पकौड़ी हो और चटनी ना हो तो फिर कैसा मज़ा ना। तो मैं जा रही हूँ गाँव में जहाँ हमारी आंगनबाड़ी मैम है उनके घर और उनके वहाँ से लेके आऊँगी मैं पुदीना। और पुदीना की मैं फर्स्ट क्लास चटनी बनाऊँगी और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। और अगर आप उस तरीके से चटनी बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत ही यम्मी लगने वाली है। तो चलो फिर पहले मैं जाती हूँ पुदीना लेके आती हूँ। चलो फिर चलती हूँ, घर का ध्यान रखना ठीक है, आ जा नहीं तो। चलो फिर अब हम जा रहे हैं। लो पियो अपना बैग। पहले तो मेरा प्लान था कि जैसे कि आज नवरात्रि है तो फिर मंदिर में जाना पूजा करना, क्योंकि जब मैं काशीपुर में थी तो वहाँ पे चामुंडा मंदिर है, हम वहाँ चले जाते थे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं इतनी, मतलब होगा तो काफ़ी दूर होगा इतना मुझे पता भी नहीं। और माता का मंदिर शायद यहाँ नहीं है और है तो बहुत बड़े बड़े, बहुत दूर दूर है तो फिर कैसे जाना था, फिर मैं नहीं जा पाई। नहीं तो मेरा बहुत मन था कि आज जैसे फर्स्ट नवरात्रि है तो मैं मंदिर जाऊँ और थोड़ा मतलब मंदिर घूम लिया जाए। तो ऐसा है कि पूरा दिन अच्छा चला जाता है। ये देखो भाभी जी कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आ रहे हो आप? टीका लगा के। अच्छा इसको टीका लगा है? कौन से महीने का? डेढ़ साल का। अच्छा डेढ़ साल का, इसे तो नहीं लगना ना कोई टीका, पाँच साल में लगेगा आप सीधे से है ना। चलो बाय बाबू, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर, चुनू बाय कर, बाय कर। चलो हेलो करना चाह रहा है। हेलो, आज इतना बोलता है, इतना कम बोलता है। अरे गाना। तो फिर आजकल बच्चों को टीके भी लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को टीके लग रहे हैं। हाँ तो दोस्तों आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ये ची की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? तो ये ना पता नहीं क्या होते हैं, कौन से कीड़े होते हैं, ये मेरी वीडियो को बहुत खराब करते हैं। जो इनका नॉइज है ना बहुत ज्यादा होता है। और आगे की वाक तो इनका नॉइज़ इतना ज़्यादा होता है कि मेरी आवाज़ कम लगती है और इनकी आवाज़ ज़्यादा लगती है। और मेरी जो आजकल की ज़्यादातर वीडियो उसमें इसकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और पहले तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया पर जो मैं जब उनको एडिटिंग करती हूँ उन वीडियो की तो तब मुझे इसकी आवाज़ बहुत सुनाई देती है। बार आंगनबाड़ी ले जा चुकी हूँ मैं कि उसको अब वहाँ का रास्ता ही याद हो गया है कि कहाँ जाके रुकना है, कहाँ से मोड़ना है, सब पता उसे। बेटा रुक जा बाबू। तो फिर आ गए हम आज दोबारा से मैम के घर पे। ये है हमारी मैम और मैं इनके वहाँ आई हूँ पुदीना लेने के लिए। इनके वहाँ पुदीना बहुत अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी है तो फिर मैं यहाँ आई हूँ चटनी। आजकल तो चटनी खाने में मजा आता है। टमाटर मिर्ची ये क्या और खाइए? ये है, ये तो राई। अच्छा राई। और
अब वो भी नहीं होगा किसी के पास ना, वो क्या नाम है उसका, क्या होता है, भांग, भांग ना, ना भांग के दाने काशीपुर में रखा था मैं, लाना भूल गई डब्बा। बीरू खाल में परसों गए, वही हो जाता है ना, आधा सामान याद रहता है आधा भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा काशीपुर में तो मैंने सब रखा है, चखिया भांग सब। हाँ हाँ भांग की भी चटनी बनती है ना। हाँ देखो दोस्तों कितनी तेज हरी मिर्च है, लग कितनी सुंदर रही है, लग कितनी सुंदर रही है, डालने से हो जाएगा। अच्छा अच्छा हो गया, हो गया, इतना मत होगा। दाल भी दे रही है हमें भरी रोटी के लिए, तो फिर बनाएंगे किसी दिन भरी रोटी और टेस्ट करेंगे कैसी बनती है और कैसे स्वाद है। राइस की दाल है ये, ये मैम के घर की दाल है और सुखा भी रहे, जैसे कि आप देख ही रहोगे कि सब दाल सूख रही है, तो फिर उन्होंने थोड़ी सी मुझे भी दे दी वो बनाने के लिए भरी रोटी। तो चलो चलते हैं अब घर, सब ले लिया हमने उनका सामान। चलो बाय बाय कर दो इसमें, क्या हुआ एप्पल की दिया। चलो चलो फिर आ जाओ, बाय कर दे मैम को, बाय, थैंक यू भी बोल। पुदीना तो मिल गया है और हरी मिर्च भी मैं उनके वहाँ से ले आई क्योंकि काफी तेज हरी मिर्च थी, तो फिर अब मैं बनाऊंगी चटनी वो भी चटपटी बिल्कुल, और राइस की दाल भी लेके आई हूँ और उन्होंने मैम ने मुझे राइस की दाल दी है, इससे बनाऊंगी मैं पराठे टेस्टी टेस्टी से। तो चलो घर की तरफ। मैं घर आ गई हूँ और अब मैं जल्दी से तैयारी करती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है मुझे, मैंने सोचा था कि 10-11 बजे करीब मैं पकौड़ी बनाऊंगी, अगर टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। चटपटी चटनी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये रहा पुदीना और ये रहा खट्टा वाला अनार, आप इसे मीठा अनार मत समझिएगा, ये खट्टा अनार है और इसका यूज़ करेंगे हम चटनी के लिए। और ये रहा हमारा मिर्ची और एक डालेंगे इसमें टमाटर और नमक, बस यही चीज़ डालनी है इसमें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है। तो दोस्तों इसमें तो एक मेन चीज़ मैं डालना ही भूल गई, इसमें भुना हुआ जीरा भी डालना है जिससे इसका जो टेस्ट है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगा। मेरी चटनी रेडी हो गई है देखो, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने इसमें जीरा भी फ्राई करके डाला है और जो अनार था वो खट्टा खट्टा उसका टेस्ट भी, पुदीना का आपको पता ही है कितना अच्छा टेस्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी चटनी है। अगर आपको भी मिल जाए कहीं से ऐसा अनार, अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं मतलब नहीं भी मिलता है तो उसके लिए खटाई यूज़ कर सकते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी है ये। तो देखो दोस्तों कितनी अच्छी चटनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनी है ये। तो अब बनाते हैं पकौड़ी और फिर मुझे जल्दी से झोली भी बनानी है उसके बाद मुझे। चलो पहले पकौड़ी बनाते हैं, मैंने काट के सब कुछ रेडी कर रखा है, तो मैंने काट के सब कुछ रेडी कर रखा है, बस अब इसमें मुझे बेसन भी लाना है और मसाले वगैरह मिलाने हैं, और फर्स्ट क्लास में पकौड़ी तैयार करती हूँ अपनी। मैंने अपने आलू और प्याज में मिर्ची मिला दी है और इसमें है बेसन और थोड़ा सा आटा क्रिस्पी बनाने के लिए, थोड़ा आटा भी मिक्स कर दिया, और देखो मेरा मसाला क्या क्या रेडी किया है, हल्दी है, धनिया है, और ये मैगी मसाला और ये सब्जी मसाला। मतलब मैगी मसाला और सब्जी मसाला डालने के बाद ऐसा होता है अगर ये दो चीज़ डाल दी ना आपने, फिर उसके बाद जो पकौड़ी में टेस्ट आता है ना बिल्कुल गजब का होता है। तो आप भी ये जरूर ट्राई करना और बहुत अच्छा ज़्यादा बहुत अच्छा यम्मी टेस्ट आएगा आपकी पकौड़ियों में। तो चलो इन्हें भी डाल देते हैं।
ये मिक्सअप रेडी हो चुका है पकौड़ी का और तेल गरम हो रहा है। और जो दही है वो मैंने घर में जमाई थी और कितनी अच्छी जमी है दही, बिल्कुल बिल्कुल मतलब ठोस वाली जो होती है, कट्टेदार वाली जो बोलते हैं जिसको दही, और बहुत टेस्टी भी हो रही है। तो मैं आज इसकी बनाने वाली हूँ झोली और उसमें डालूंगी ये पकौड़ियाँ और वैसे भी पकौड़ी खा, साथ में मेरी चटनी भी रेडी है। तो चलो जल्दी जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लगने लग गई है। कैसा हो रहा है यूट्यूब पकौड़ा, कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है? तो दोस्तों पकौड़ी बहुत जबरदस्त बनी है तो हम पकौड़ी खाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चटनी के साथ पकौड़ियों का मज़ा लेते हैं और आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये चटनी बहुत ही मज़ेदार है, खाने में चटपटी बिल्कुल, और आपको बहुत पसंद आएगी। और आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।